हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो रहने वाली है टाटा सफारी XZA प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट के साउंड टेस्ट के ऊपर। मींस आज की वीडियो में ये जो टॉप मॉडल है इसका मैं आपको साउंड टेस्ट बताने वाला हूँ, वो भी बॉलीवुड वाले सॉन्ग आपको जो मैं आज की वीडियो में प्ले करके बताने वाला हूँ, तो जिससे आपको इसकी जो बीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड जो है फील प्रोवाइड करे और आप इसकी जो वोकल है जो इसका बेस है उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। तो प्लीज़ ईयरफोन्स आप प्लग इन कर लीजिए अपने, जिससे आपको इसका जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा मिले। इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें हम, जो टाटा सफारी XZA प्लस मॉडल आता है ये ऑटोमेटिक मॉडल है, तो इसकी जो प्राइस आती है एक्स शोरूम वो रहती है 21,25,000 रुपये, मीन्स 21,25,000 रुपीज़। और जो ऑन रोड इसकी प्राइस पड़ती है वो रहती है 25 लाख रुपीज़, मीन्स 25 लाख के ऊपर ही जो है ये गाड़ी जाती है। अप्रॉक्स मैंने आपको बताया है न्यू दिल्ली के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड का कुछ इस टाइप का आपको जो है पूरा क्वार्टर पैनल देखने को मिलता है। काफ़ी अमेजिंग लगती है ये गाड़ी देखने में पर्सनली। और इसी के साथ में इस गाड़ी के अंदर में आपको इंजन देखने को मिलता है 1956 cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 167.62 bhp की। 7 सीटर है ये, मींस आपको 7 सीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है इंटीरियर में। चलिए चलते हैं इंटीरियर पोर्शन में, बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर में आपको इंफोटेनमेंट में क्या सिस्टम देखने को मिलता है और स्पीकर रेंजेस क्या है। तो इंटीरियर आपको XZA प्लस ऑटोमेटिक का कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश, मैट ब्लैक फिनिश, सिल्वर एंड बेज फिनिश में जो है इसका पूरा जो इंटीरियर का कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा लगता है। इस गाड़ी के अंदर में आपको इंफोटेनमेंट में 8.8 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि हरमन की है। इसी के साथ में 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं, मींस 4 स्पीकर 4 ट्विटर। इसी के साथ में सब वूफर विथ एम्पलीफायर इस गाड़ी के अंदर में आपको देखने को मिल जाता है, और जो एम्पलीफायर है उसको ट्यून किया है JBL ने। इसी के साथ में IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसके अंदर में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि आपको इससे जो भी मोबाइल की पेयरिंग वाली फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाती हैं, वेदर इट इज़ एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले तो दोनों ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपको आफ्टर मार्केट तो कोई सेटअप्स की, हाई एंड सेटअप्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही टाटा सफारी काफ़ी ज़्यादा हैवी गाड़ी है। और इसी के साथ में इसके अंदर में जो स्पीकर सेटअप्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो कोई आपको आफ्टर मार्केट तो डैम्पिंग वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेटल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब जो है इसका साउंड टेस्ट हम सुन लेते हैं किस तरीके का है। मैं बॉलीवुड सॉन्ग ही प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, NCS वगैरह हम प्ले नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बॉलीवुड सॉन्ग ही प्ले करके सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको बीट काफ़ी अच्छी मिले, वोकल काफ़ी अच्छी मिले। इसी के साथ में जो बेस है, सब वूफर जो बेस प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी आपको पूरा जो है ईयर टू ईयर नॉइस पूरी जो है पता चलेगी किस तरीके की जो है आपको साउंड की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलो हम इसका जो सॉन्ग है उसको प्ले करते हैं। तो प्लीज़ आप हेडफोन्स को इंसर्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ आई होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ में आई होप इस पे जो कॉपीराइट क्लेम है वो ना आए, बट अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सबके लिए मेरी ओर से ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से बस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और आप कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए वो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इसी के साथ में आप घर पे रहिए और सेफ रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।